साइंस के बाद आज 20 की सूची और आई है हम लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पर ये 20 में से एक संतोषजनक बात ये है कि अधिकांश ऑलरेडी हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा है और कुछ ही बहुत 3-4 ही हैं जो कि अभी MIH वगैरह में थे, जिनको घरों में या उनके परिवार वालों संपर्क में रहे होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि संतोष की बात है कि ऑलरेडी ये लोग क्वारंटाइन में रहे थे तो वो मोहल्ले में रह के फैला नहीं रहे थे उस चीज़ को, तो इनको भी हम लोगों ने लिस्ट में सब अधिकारी लग गए हैं कि जो लोग 20 पाए गए हैं वो पहले जो कोविड पेशेंट्स पाए गए थे उनके परिवार के लोग हैं कि वो दूसरे उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट वाले हैं जिनकी वजह से और अगर आगे फैला हो कुछ तो उसकी जांच कर रहे हैं। शाम तक उससे भी जुड़े हुए जो भी लोग रहेंगे उसको हम लोग मोहल्लों से निकाल कर क्वारंटाइन में कर देंगे, जो भी हम लोगों ने होटल्स में बैरिकेडर में व्यवस्था की है, और इसी पेस को पकड़ना है। अभी हम लोगों ने करीबन 200 टेस्ट के लिए और भेजे हुए हैं। जो भी पॉजिटिव अगर रिजल्ट आते हैं उससे फ़ायदा ही होता है अपने को कि अपने को मालूम पड़ जाता है किस पेशेंट को था, उसके संपर्क में कौन लोग आए हैं और किसको प्रिकॉशन रखना है हमको। तो अगर हम लोग तत्काल उनको क्वारंटाइन कर देते हैं उस संपर्क में आए लोगों को, तो हम इस पेस को, जो बढ़ने वाला पेस है, कम्युनिटी स्प्रेड वाला पेस है, इसको रोक सकते हैं हम। तो पॉजिटिव आना, संख्या बढ़ना, तो इससे अपने को इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अपने को यही फ़ायदा है कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन आदमी था, कहाँ कहाँ मूव किया, वो किस घर में उठता बैठता था, ताकि वहाँ के संभावित लोगों को हम लोग क्वारंटाइन कर सकें। इसी माध्यम से इस स्पेस को, इस स्प्रेड को रोका जा सकता है। अभी 200 टेस्टिंग हम लोगों ने और दी हुई है, जो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे आज शाम तक, उसमें से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे पॉजिटिव। वो भी अधिकांश लोग, सब लोग क्वारंटाइन में हैं। वो लोग दो लोगों की जानकारी यहाँ आई थी जी। कल हम लोगों ने SDM CSP को भेजा था, पर वो सही पता, सही एड्रेस नहीं मिला है उसमें। हो सकता है कि उन्होंने गलत पता लिखवाया हो, वहाँ पर कहीं और के लोग हों, यहाँ ना आए हों वो लोग, तो यही संभावना है उसमें। क्योंकि हमारे तो इमीडिएटली हम लोगों ने SDM CSP की टीम भेजी थी, वो सही एड्रेस नहीं पाए गए वो। सर एक और देखा जा रहा है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स जो है इंदौर में कई जगह तैनात है, क्या ये जो कंटेनमेंट किए गए एरिया उनमें ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जो हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि घर में रही है, हम लोग बोल रहे हैं अभी फोर्स हम लोगों ने और मांगी है, कुछ कंपनी हम लोग पास और मिलेंगी आजकल में, वो फोर्स मांग रहे हैं, उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये सब जनता के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि दूध पे पाबंदी लगाई, हम लोग का 24 घंटे का ब्रेक था, 24 घंटे बाद जब हम लोगों ने शुरुआत की तो भीड़ लग गई उसमें। जनता को ये समझना पड़ेगा कि आप भीड़ लगा के जाएंगे, अगर किसी भी एक को ये है, इस रोग में खासियत ये वायरस में कि संक्रमण बहुत तेज होता है इसका, ये खतरनाक नहीं है उतना। अभी 20 पेशेंट जो 27 हमारे एडमिट हुए थे, उसमें से 2-3 की जरूर डेथ हुई है, क्योंकि वो बुजुर्ग भी थे, क्रिटिकल भी थे, उनको और भी बीमारियां थी उनको, तो उस और भी बीमारियों के कारण उनको क्रिटिकल स्टेज में आए वो। पर 20 ठीक हो गए हैं उसमें से, अब 20 ठीक हो गए हैं, पर हैं रखेंगे भी 6-7 दिन हम लोग उनको, वो उनके 2 टेस्ट निगेटिव आ जाएंगे तो डिस्चार्ज कर देंगे उनको। तो लोग, सभी लोग ठीक हो रहे हैं इस रोग से, पर संक्रमण बहुत तेज चूँकि फैलता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भीड़ लगा के इकट्ठा कहीं ना हो। तो आगे भी अगर हम लोग कोई फैसिलिटी देते हैं, सोचते हैं अगर एक वीक के बाद, तो भी जनता से ये अपील रहेगी कि जो भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं, जो भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, मीडिया साथियों को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसमें सहयोग करें, लोगों का अवेयर करें इसमें, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत फास्ट है। इसलिए जितना अलग अलग रहेंगे लोग, नहीं मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, किसी झुंड में गए, मान लीजिए कहीं 50 का झुंड इकट्ठा हो गया, एक को भी व्यक्ति को अगर टच हो गया वो, या उससे कुछ छींका, उसके ड्रॉपलेट्स आ गए, तो वो संक्रमण फैलता है, इसी प्रकार से फैलता है ये। अब वो कैरियर हो जाता है, भले उसको बीमारी के लक्षण उसमें नहीं आएंगे, वो 14 दिन में ठीक हो जाएगा। 80% लोगों में अगर वायरस आता भी है, उनको लक्षण ही नहीं आते हैं उनको, वो 14 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर वो कैरियर बन जाते हैं। कैरियर बनते हैं जो वो दूसरों से जब संपर्क में आते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में आ गए, उनके उनको मान लो जो किडनी की समस्या है वो, या डायबिटिक हैं, या कोई और इलनेस है उनको, उस परिस्थिति में उस बुजुर्ग व्यक्ति सीरियस हो जाता है, फिर उसको संक्रमण हो जाता है। तो लोग जो घरों में रहने की बात की गई है, इस वजह से की गई है। इसमें कुछ क्षेत्र हैं जिसमें कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जैसे रानीपुरा, जो नयापुरा, नारानीपुरा, दौलतगंज, ये वाला एरिया मेन चैलेंज है हम लोगों के लिए। चंदन नगर और खजराना में विशेष ध्यान दे रहे हैं, और ईश्वर की मेहरबानी से मुझे लगता है कंट्रोल भी हो जाएगा वहाँ पर। और आज़ाद नगर को बहुत हम लोगों ने, जो एक पेशेंट आया था वहाँ पर, 70 लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट किया है, क्वारंटाइन में डाला है, उससे मुझे लगता है कि वहाँ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो भी कंट्रोल हो जानी चाहिए। केवल इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं हम लोग। कुछ हम लोगों ने फोर्स भी इसलिए बुलाई है कि उसको चारों तरफ से पैक कर दें, ताकि वहाँ के लोग भी सतर्क रहे, बाहर के लोग अंदर ना जाएं, अंदर के लोग बाहर ना जाएं। तो सर, तरीके से जो नए जो फिगर सामने आ रहे हैं, नए जो पेशेंट दिख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से मानें कि जो डिटेक्शन है, यही प्रिवेंशन ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हें चिन्हित कर पाए।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो भी संभावित इसके हो सकते हैं उनका अधिक से अधिक सैम्पलिंग हो, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके संपर्क में जो लोग आए उनको हम बाहर निकाल सकें, क्वारंटाइन कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है इसको रोकने के लिए कि जितने ज़्यादा हम टेस्टिंग सैम्पलिंग लेंगे और जितनी जल्दी टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे हमारे पास में, उससे उतनी जल्दी ये चीज़ को अपन मुक्ति पा सकते हैं। तो संख्या बढ़ना, मैंने कल भी बोला था, संख्या बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी हैं, लोग हो चुके हैं, कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो जो भी संख्या अपने पास आ रही है बढ़ेगी अभी, और ये मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, जनता को प्रिपेयर रहना चाहिए, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था है, अस्पताल की समुचित व्यवस्था है, ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं उसके बाद पे। सर एक जो है कि निजी अस्पताल या जो क्लिनिक वाले हैं वो लोगों को देख नहीं रहे हैं, तो क्या हम कुछ इसको, हम लोगों ने निर्देश दिए हैं सभी जो क्लिनिक टाइप की है या जो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपीडी रहती है, ये सबको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई देशों में जहाँ प्राइवेट ऐसे निजी क्लिनिक्स खुली हुई थी, वो क्लिनिक संक्रमण का केंद्र बन गई, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग गए, संक्रमित हुए और बहुत लार्ज स्केल में फैला था। फिर वो तो निजी क्लिनिक्स को सभी को बंद रखने का, जो अस्पताल हम लोग ने बोला है केवल वही अस्पताल चालू रहेंगे। पर उन डॉक्टर से मेरा अनुरोध है जो क्लिनिक्स में है, कि अगर वो आसपास के अस्पताल से कहीं अगर संलग्न हो सकते हैं तो जो भी अपनी सर्विसेज सेवा दे सकते हैं पीपी किट वगैरह पहन के, वो अपनी सेवा देंगे, तो उससे इस समाज को और ये बहुत बड़ा सेवा हो जाएगी इस शहर के लिए। वो हम लोग जो हमारे सेंटर्स हैं उसके माध्यम से हम लोग प्रयास ज़्यादा ये कर रहे हैं, किराना सूखा किराना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि मिनिमम कॉन्टैक्ट में उस व्यक्ति के पास 7 से 10 दिन का भोजन हो जाए। कई लोग ऐसे भी हैं जहाँ पका हुआ भोजन भेज रहे हैं, हम लोग सभी नगर निगम को लगाया है इसमें, इस पर आशीष सिंह जी पूरा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके भी यहाँ पे संदीप सोनी है, अरुण शर्मा है, वो सब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और जो भी हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनको हम संदीप सोनी की टीम में ही संपर्क करा रहे हैं कि वहाँ पर जितना भी अनाज होगा वो देना चाहते हैं दे दें। गाड़ी हम लोगों की नगर निगम खुद ही आके कलेक्ट कर लेगी, उनको निकलने की जरूरत किसी को भी नहीं है, जहाँ भी अनाज रखा होगा हमारी गाड़ी कलेक्ट कर लेगी। आज मैं इस संबंध में एक सोशल मीडिया में एक मैसेज भी डाल रहा हूँ कि बहुत लोग मदद करना चाह रहे हैं इसमें, इसी प्रकार से एक मैसेज इसमें भी डाल रहा हूँ कि बहुत लोग चेक देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक संदेश डाल रहा हूँ कहाँ पर देना है क्या देना है, वो व्यवस्था बना रहा हूँ आज मैं। कहाँ दे सकते हैं? देखिए आप पीएम रिलीफ फंड में दे सकते हैं, सीएम में दे सकते हैं, पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा इसी शहर में लगे, क्योंकि अभी जितनी पीपी किट्स बन रहे हैं जिससे अस्पतालों के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं, ये सब हम रेड क्रॉस से कर रहे हैं। इसको रेड क्रॉस से हमने ये भी ओपन कर रखा है कि अगर कहीं अनाज कोई ज़्यादा संख्या में है कहीं हमको ख़रीदना ही पड़ता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि शहर में इतने समाजसेवी हैं, इतने सेवाभावी लोग हैं कि जहाँ जहाँ हो सकता है पूरा शहर लगा हुआ है अनाज देने में, सब देने में। पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, अनाज हो गया, ये भी हम रेड क्रॉस से करेंगे। तो अगर रेड क्रॉस के माध्यम से शहर में लगाना चाहते हैं, रेड क्रॉस की डिटेल्स भी हम दे रहे हैं, ऑप्शन है लोगों के पास, जहाँ देना चाहें दे सकते हैं। थैंक यू सर।